और क्यों आदमी? आदमी और इंसान में बहुत फर्क होता है। और मैं समझता हूं कि इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा आदमी होता है। ये एक मौजा है इन हालात में। 44 शोज, 22 थिएटर, और इनमें जैन भी शामिल हैं, तरत हुसैन भी हैं, अंजुम भी है, और ये शीमा है, ये सब नौजवान डायरेक्टर्स जो आए यहाँ। बहुत से अखबारों में मैंने इस फेस्टिवल के बारे में एक दो लाइनें थोड़ी ठीक नहीं पढ़ी, तो ये वही लोग लिखते हैं, तकदीर करते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो खुद नहीं कर सकते ये काम, वो दूसरों को भी करते नहीं देख सकते। इसको बहुत सराहना चाहिए इन तमाम नौजवान नस्ल को जिन्होंने डायरेक्ट किए, और बड़े लिखने वालों के प्रेज भी डायरेक्ट किए, और जो पहले प्ले था इस जमाने की हीर, तो वो जैन ने डायरेक्ट किया था। अब जब शुरू की तकरीर हुमा ने, तो इन्होंने नाम दिए कि हमें फेस्टिवल में पुलिस और रेंजर्स को बुलाना पड़ा। इस जमाने में ये दो नाम ना लें, मालूम ही नहीं हो सकता है कि पुलिस थी या रेंजर्स। तो लिहाजा एहतियात करें कि इस तरह के फंक्शन में ये दो नाम ना लें। अब अच्छा, उर्दू अदब में ड्रामा तो है ही नहीं। आगा अशर के ड्रामे हैं, और फिर ताज साहब का है नारकली, जिनकी मतलब अदब में वो मुकाम नहीं है जो बाहर के ड्रामों का होता है। टेलीविजन ने बहुत से लिखने वाले दिए, अशफाक साहब, बानो अप्पा, हसीना, मुन्नू भाई, बचिया, नूरुल्हुदा। आजकल जो टेलीविजन पे ड्रामे आ रहे हैं, मैं स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेज पे तो फिर भी कमाल हो रहा है, टेलीविजन पे जो ड्रामे आजकल आ रहे हैं, अगर 100 ड्रामे आ रहे हैं तो 90 ख्वातीन लिख रही हैं, और वो ख्वातीन जो हैं वो ड्रामे को बच्चा समझती, और बाज़ों के यहाँ तो ट्विंस हो रहे हैं, मतलब दो दो चैनल पे एक उन्हीं के लिखे हुए ड्रामे आ रहे हैं। एक जगह 80 किस्तों का सीरियल, एक जगह 100 किस्तों की सीरियल, कहानियाँ एक सी, आधा पेज जो है वो एक पलंग पे होता है, यानी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, कुर्सी पे बिठा दें, और पलंग के ऊपर जो बेडशीट है वो इश्तहार आता है 5,000 रुपए में 10 बेडशीट और खाना पकाने के 8 बर्तन फ्री। हर चैनल ने वो शीट खरीद ली है, हर ड्रामे में बेडरूम में वही बेडशीट पड़ी हुई है, वो पेशावर के फूलों वाली, उसी के दो तकिए, वही तकिए ऑरेंज ब्लू ब्राउन वैसे ही पर्दे, वही सफ़ेद चादर भी होती है, ब्लू चादर भी होती है, हल्के रंग की चादर बिछाते हैं, खुदा के वास्ते टेलीविजन के ड्रामों को पढ़ते, और हर नौजवान हीरो की दाढ़ी, पता ही नहीं चलता कि ये हीरो कौन है, दूसरे में कौन है, एक ही शक्ल के लड़के, एक ही कद के लड़के, एक ही दाढ़ी। और मेरे ख्याल में टेलीविजन के ड्रामों से हम दाढ़ी को और सेलफोन को निकाल दें तो कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता। दादा बा सेलफोन, दादी सेलफोन, माँ सेलफोन, डॉक्टर सेलफोन, सेलफोन नफरत हो गई है सेलफोन से। और जैसे कि हिंदुस्तान में ड्रामे होते थे, सुपारी कर दिया, ये कर दिया, वो होने लगा, कहानियाँ नहीं हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ बच्चों, आप लोग तो नौजवान हैं, और आप लोगों ने जो काम किया है, आप लोगों को बहुत काम करना है आगे। हसीना ने तो अब लिखना छोड़ दिया है, नहीं लिख रही।
कि टैलेंट बहुत है इस मुल्क में, इतना टैलेंट है, कोई बात नहीं। कभी मौका मिले आपको किसी टीवी के ड्रामे में काम करने का, तो पहले आप स्क्रिप्ट जरूर पढ़ लें। स्क्रिप्ट अच्छा है, डायरेक्टर बुरा है, अदाकार बुरे हैं, फिर भी लोग वो ड्रामा देखेंगे स्क्रिप्ट की वजह से। स्क्रिप्ट रीड की हड्डी होता है। और बात यह है आर्ट काउंसिल की कि यहाँ जो हुआ है ये तो यकीन नहीं आता, ये पहली है कि इस वबा के ज़माने में सिर्फ अहमद शाह एक वजह से परेशान हुए हैं, और उसकी मैं कसम खा सकता हूँ, सोशल डिस्टेंस की वजह से। वरना ये आदमी किसी चीज़ से परेशान नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आर्ट काउंसिल को, उनकी पूरी टीम को, कि इन हालात में 48 शोज करना ये यकीन नहीं आता। ये हिम्मत है शाह साहब की, और मैं प्रेस यहाँ मौजूद है, कैमरे मौजूद हैं, मैं भी एक स्टेज प्ले लिख रहा हूँ, उसका नाम है मजार पे धम्मा। तो ये कोई मजार हो सकता है, इसीलिए इतने मजार हैं जहाँ धम्मा होता है, अगर ये और पसंद का धम्मा, जैसे नई हीर थी ये नया धम्मा है। तो फिर भी आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शाह साहब खुश रहिए और इसी तरह कायम रहिए। आप आर्ट काउंसिल के कायम अध्यक्ष हैं। जाना है।